हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिपेक्स गैरेज। और आज की वीडियो में 2024 की नई ओला S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिव्यू करूंगा। और आज की वीडियो में इस स्कूटर के फीचर्स, प्राइस, रेंज कितने मिलते हैं, उसको फुल चार्ज करने पर सब कुछ बताने वाला हूँ। फुल डिटेल रिव्यू करके आपको बताने वाला हूँ कि आपको स्कूटर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि आपको स्कूटर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और इस गाड़ी के प्राइस के बारे में बात करें तो 1,04,000 का एक शोरूम प्राइस मध्य प्रदेश देवास का आपको पड़ जाता है। और आपको ओला किसी भी स्कूटर के कोई डिटेल चाहिए तो मध्य प्रदेश देवास के ओला के शोरूम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शोरूम का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और इस गाड़ी का वॉक अराउंड भी स्टार्ट करते हैं। सामने से गाड़ी के लुक्स देख लो कुछ ऐसा रहने वाला जो कि आप सामने देख सकते हो। एंड यहाँ पर आपको रियर भी मिरर देखने को मिल जाता है। रियर भी मिरर इसमें आपको मजबूत क्वालिटी के मिलते हैं, जो कि डिज़ाइन सामने आप देख रहे हो ब्लैक कलर के दिए गए हैं। डिज़ाइन कुछ ऐसा रहेगा। और यहाँ पर आपको LED वाली दो प्रोजेक्टर, LED हेडलाइट्स देखने को मिल जाती है, जो कि डिज़ाइन देख रहे हो सामने। और LED वाली DRL लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है इसमें, जो कि एकदम स्मार्ट लुक की रहने वाली है, जो फ्यूचरिस्टिक लुक की दी गई है यहाँ पर, जो डिज़ाइन कुछ ऐसे रहेगी। एंड यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको फाइबर का दिया गया है। एंड इस पूरी बॉडी आपको फाइबर की मिलती है गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर ओला की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको, जो कि सामने देख रहे हो। एंड यहाँ नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको इंडिकेटर लाइट, LED इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि स्मार्ट लुक की रहने वाली है। एंड इस पैनल गैप के बारे में बात करें तो कोई ज़्यादा गैप आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी, बहुत फिनिशिंग से काम करा है गाड़ी में। एंड फ्रंट टायर के साइज़ के बारे में बात करें तो 110x70 12 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। एंड इसमें आपको यहाँ मडगार्ड मिल जाता है और इसमें टायर की चौड़ाई कुछ ऐसी रहेगी। एंड फ्रंट में आपको इसमें ट्विन सस्पेंशन, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, ट्विन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। एंड इसके ब्रेक के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको ड्रम ब्रेक्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि सामने आप देख रहे हो। रिम टायर्स दिए गए हैं। साइड से गाड़ी के लुक्स कुछ ऐसा रहने वाला है। इसके अंदर आपको 116 kg का कर्व वेट रहता है इस गाड़ी का। एंड 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और गाड़ी के वाटर प्रूफ रेटिंग मिली इस गाड़ी के अंदर, IP67 की वाटर प्रूफ रेटिंग आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। और 8 साल की इसकी बैटरी की वारंटी कंपनी प्रोवाइड करती है आपको। एंड यहाँ पर आपको इसके ग्रेव हैंडल देखने को मिल जाता है, जो कि ब्लैक कलर का ग्रेव हैंडल दिया गया, मजबूत क्वालिटी का रहने वाला है एंड मेटल का रहने वाला है। और यहाँ से आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हो इस जगह से। और यहाँ पर ओला S1 एयर की ब्रांडिंग मिल जाती है। और यहाँ पर आपको LED वाली इंडिकेटर लाइट्स देखने को मिल जाती है और LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है। दोनों लाइट्स कनेक्ट रहने वाली है, जो कि सामने आप देख रहे हो। डिज़ाइन कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ रिफ्लेक्टर मिल जाता है। एंड यहाँ पर नंबर प्लेट लाइट मिल जाती है, मडगार्ड मिल जाता है आपको यहाँ पर, वो नंबर प्लेट होल्डर मिल जाता है, साइड रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। और इसके रियर टायर के साइज़ के बारे में बात करें तो 110x70 12 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। एंड रियर ब्रेक के बारे में बात करें तो रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। और रियर सस्पेंशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर आप मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है रियर में। और साइड पैनल आपको पूरे फाइबर के मिलते हैं, जो कि ड्यूअल टोन में दिए गए हैं, ब्लैक और डार्क ब्लू में दिए गए हैं, सामने आप देख रहे हो। एंड पैनल के गैप के बारे में बात करें तो वही अच्छी फिनिशिंग से काम करा है इसमें, जो कि सामने आप देख सकते हो, कोई पैनल गैप आपको मिलेगा नहीं यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपको पैसेंजर फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी मजबूत क्वालिटी का दिया गया है ब्लैक कलर का। एंड यहाँ पर आपको इसमें साइड स्टैंड देखने को मिल जाता है, साइड स्टैंड आपको प्लास्टिक का दिया गया है, जो कि मेरी कंप्लेंट रहती है इसमें कि आपको मेटल का दे देना चाहिए इसके अंदर। एंड जो पैर रखने जो जगह मिलती है वो आपको फ्लैट मिलती है, उसमें बहुत सारा सामान आप रख के ले जा सकते हो यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपको सीट देखने को मिल जाती है, कंफर्टेबल सीट मिलती है, चौड़ी सीट मिलती है, दो जन इसमें आराम से राइड कर सकते हैं गाड़ी के अंदर। एंड 805 mm की सीट हाइट इसमें रहने वाली है, जो कि सामने आप देख रहे हो, अच्छी कंफर्टेबल सीट मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको मैं इसका बूट स्पेस खोल के दिखाता हूँ कि इसमें कितना बूट स्पेस मिलता है। देखो जरा, आपको रेड बटन दबाना पड़ेगा यहाँ पर, फिर पासपोर्ट डालना पड़ता है आपको यहाँ पर। पासपोर्ट डालने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्क्रीन के ऊपर, इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ता है, आपका बूट स्पेस ओपन हो जाता है। तो ये देखो जरा, अभी मैंने इस पर क्लिक करा, उसका बूट स्पेस ओपन कर लिया है। तो बूट स्पेस ओपन करने के बाद इतना बड़े साइज का बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि इसके अंदर आपको 34 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। बस आप क्या, दो बड़े साइज़ के हेलमेट इस गाड़ी के अंदर आराम से आ जाएंगे, जो कि आप सामने देख रहे हो, बड़े बड़े साइज़ के हेलमेट रखे हुए गाड़ी के अंदर आराम से रखे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। और इतने बड़े साइज़ के हेलमेट आ जाएंगे आपके, और बड़ा साइज़ का बूट स्पेस मिलता है। और ये पार्ट प्लास्टिक के दिए गए हैं इसके अंदर ब्लैक कलर के। एंड यहाँ पर आपको मैं इसके फीचर क्या क्या मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बटन देखने को मिल जाते हैं, ये बटन आपको यहाँ पर पासिंग लाइट का बटन मिलता है, रिवर्स जाने का बटन मिलता है, इंडिकेटर एंड हॉर्न के बटन देखने को मिल जाते हैं, हॉर्न। एंड यहाँ पर आपको पावर बटन मिलता है और क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, एंड क्रूज कंट्रोल का बटन, म्यूजिक कंट्रोल का बटन मिल जाता है। और यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है। इस ओला की ऐसी गाड़ी दोस्तों, इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है, यानी कि आप गाड़ी चलाते चलाते गाने सुन सकते हो उसमें। और यहाँ पर आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है, मोबाइल को चार्ज करने के लिए आपको इसमें USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जो कि सामने आप देख रहे हो। एंड यहाँ पर हुक मिल जाता है इस जगह पे, क्योंकि सामने आप देख रहे हैं, हुक देखने को मिल जाता है, सामान लटकाना और लटका सकते हो। और इसके डिजिटल डिस्प्ले का साइज़ के बारे में बात करें तो 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें आपको
स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक देखने को मिल जाती है एंड हैजार्ड वार्निंग इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाती है और डिजिटल क्लॉक, ट्रिप मीटर डिजिटल मिलता है, क्रूज कंट्रोल जैसे शानदार फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, GPS नेविगेशन, कॉल्स, मैसेज अलर्ट एंड रोड साइड असिस्ट एंड रिवर्स जाने का मोड मिलता है इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी को रिवर्स भी ले जा सकते हो आप एंड एंटी थिप अलार्म मिल जाता है, म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है एंड OTA मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, लो बैटरी इंडिकेटर, लो बैटरी अलर्ट, ये सब फीचर आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। यानी कि ये मीटर कंसोल में ना बहुत शानदार शानदार फीचर मिलते हैं, आपने सोच नहीं रखे होंगे इतने शानदार शानदार फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। यानी गाड़ी का प्राइस भी कम रखा है और उसके फीचर भी बहुत ज़्यादा शानदार शानदार मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छे फीचर प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अब इस गाड़ी के अंदर की पावर के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर आपको कितने पावर की मोटरें मिलती है, कितनी इसकी टॉप स्पीड रहने वाली है, सब मैं आपको बता देता हूँ आप इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आपको 2.7 किलोवाट की इसकी मोटर पावर देखने को मिल जाती है एंड इसके अंदर आपको हब मोटर दी गई है, गाड़ी के अंदर हब मोटर मिलती है एंड 6 किलोवाट की इसकी मैक्स पावर देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को चार्ज करने में आपको 5 घंटे का टाइम लगता है, फास्ट चार्जिंग का सिस्टम दिया गया है इस गाड़ी के अंदर, लियोन की बैटरी आपको इसमें देखने को मिल जाती है एंड 3 किलोवाट की इसकी बैटरी दी गई है। इस गाड़ी के अंदर आपको 3 राइडिंग मोड्स आते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, 3 राइडिंग मोड्स पर गाड़ी चला सकते हो आप एंड इसकी राइडिंग रेंज के बारे में बात करते हैं, 151 किलोमीटर की राइडिंग रेंज कंपनी जो प्रोवाइड करती है, जो कि 151 किलोमीटर की राइडिंग रेंज आपको मिल जाती है इसको फुल चार्ज करने पर एंड इसकी बैटरी की वारंटी 8 साल की इसकी बैटरी की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है एंड इसमें आपको वाटर प्रूफ रेटिंग दी गई है इसके अंदर, IP67 की वाटर प्रूफ रेटिंग दी गई है। यानी कि इतने कम प्राइस रेंज में आपको इतने शानदार फीचर वाला स्कूटर देखने को मिल जाता है, शानदार लुक्स वाला स्कूटर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स बताओ कि आपको स्कूटर कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मोर वीडियोज़ के लिए और हम मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में न्यू गाड़ी के साथ। विल इन पावर पहिए में ताकत है। जय हिंद, जय भारत।